वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। ओ भाई जी, आज तो नया नया लग रहा है। ओए ओए, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी बिल्लो मोरी, आई एम सॉरी बिल्लो मोरी। तो भाई आज हम क्या करने वाले हैं? भाई मैं लेट हूँ, मेरे को बड़े गालियां पड़ चुकी हुई है, मेरे को बड़े डीएम बाकी में आया। ओए ये डीएम वाली चीजें जो होती थी ना, हम मेरे को क्या पता था मैं व्यू चोरी और बकचोदी करूंगा, तो अब डीएम आता है वो ये अलग चीज है। ये मैंने देखा है रैपर्स बोलते हैं डीएम, अब आता है आता है। तो एनीवेज इंग्लिश बहुत ज्यादा बोलती, दो लफ्ज ही बोलती है। तो हम आज हम सुनने वाले हैं बेला का आउट्रो आउट्रो और एल्बम का आर्ट। यार मैं क्यों, यार मैं ना हिचकिचा रहा हूँ, मैं दिमाग ना। तो भाई मैं लेट क्यों आया हूँ, क्योंकि अभी मेरे सामने यार ये देखो ना यार, एक और गाना आ गया बेला का, कोई एक्सो लव। यार इसकी कंसिस्टेंसी ब्रो बहुत हार्ड जा रही है, बहुत हार्ड जा रही है। गाने पे गाना, गाने पे गाना, गाने पे गाना, और मैं इस बंदे को रगड़ के सुनूँ तो डैम। गाने का नाम है और बेला बोल दिया, और मैं फिर से क्यों बोल रहा हूँ मुझे नहीं समझ आ रही। तो बिना टाइम जाया कि मैंने सुना कुछ एंटीडोट करके भी एक गाना आया, वो भी हम सुनेंगे। लेकिन अभी ये तो सुनने दो यार, ये तो सुनने दो यार, क्या हो रहा है यार, लाइव जा रहे हैं यार। तो स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग और चेक करते हैं। एक सेकेंड यार, मैंने ऊपर वो नमाज वगैरह चीज़ें खुली हुई थी। हाँ तो स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग और एक सेकेंड रिकॉर्डिंग की तरह ऐथे है ये रिकॉर्डिंग। ऐ फरी मैं ऐथ लिखी थी, ए बाबा जी यस कमान लो। माइक चेक माइक चेक, मेरा नाम क्या है? नाम ज्यादा कुछ नहीं बोलने को, ये सबको मालूम कौन हूँ मैं। एल्बम देरा सोलो देरा वीडियो देरा रोक के देख, धोखे ग्यारह देखा मैंने बापू फिर ते माँ को मेरी, धोखे बारह बाप ने मुझको पहले फिर सब भेजा जेल। माँ को मारा देख कौन आया वापस, तो देख कौन मतलब बेला, मतलब ठीक है ये गाना ऑडियो है। ओके मैंने बापू फिर ते माँ को मेरी, धोखे बारह बाप ने मुझको पहले फिर सब भेजा जेल। म्यूजिक सरहद पार बजता हूँ तेरे लिए बस, तू सरहद पार बजता के लिए बजता, तू न्यासी के इधर बजता है मेरे को पता है। तू बचता है ब्रो, तू बाकी में बचता, तेरा गाना तेरा म्यूजिक ब्रो। तू कभी जिंदगी में अपन का रिएक्शन पता नहीं, कभी देखेगा ना देखे, मुझे रिएक्शन दिखाने का कोई शौक नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, सारे लोग जानते हैं कि मैं डिप्रेशन का चूता हूँ, और मुझे ये रैप मुझे जिंदा 0.5 कुछ कर देता है, तो मेरे को वाइब आ जाती है और मेरी बकचोदी हो जाती है। सो हाँ, और वो भी कोई ऑटोमेटिक होती है, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लेके बैठता। तो तुम हो, तुम बज रहे हो मेरे घर में ब्रो, बहुत कड़क जो सबसे चलता हूँ। मेरी माँ के लिए बेटा उसका हीरा हो गया, पसीना लाख में बिके मेरा नगीना हो गया, ये कुत्ते देखे मुझे भौंके मगर काटने को नहीं आते। खुशियां देख रहे हो, पसीना नगीना हो गया, क्या बात। इंटरव्यू में भाई बोल के थाली बांटने को नहीं आते, हर कोई पैसा मांगे शेयर का तो हम भी मांगेंगे, हम ऐसे कुत्ते पालेंगे और ये बस वहम पालेंगे। स्टोरी लाइन वाली एल्बम जबकि स्टोरी कोई नहीं थी, तुमने खुद जोड़ी मैंने तो बस ख्वाहिश पूरी की, हर एक दर्द मेरा तुम्हें इतना अपना क्यों लगा। स्टोरी थी नहीं मैंने, मतलब हमने कुछ इतना सोच समझ के नहीं किया, शायद इसका मतलब ये है कि मतलब स्टोरी। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं, मेरे को म्यूजिक बजा रहा है। मैं तो बस ख्वाहिश पूरी की, हर एक दर्द मेरा तुम्हें इतना अपना क्यों लगा, हर एक सच मेरा साला तुम्हें सपना क्यों लगा। मैंने खाना पीना छोड़ मिक्सिंग यूट्यूब से ही सीखा, दो तीन लोगों का आभारी हूँ जो देते रहे साथ, बंदी गाड़ी घोड़ा मुझ पे फेमस होने के बाद आया, लेकिन 11 साल की उम्र से मैं पढ़ रहा कितने साल एस्ट्रो वर्ल्ड मेरे ज़हन की आवाज बनी। सो बेसिकली इस तरह मेरे जेहन में एकदम आया ये बंदी, और ये वाला जो बोला कि मुझे ये लगता था कि नो डाउट उनकी गर्लफ्रेंड जो भी है मतलब है वो मुझे डीएम करे लड़के तुझे डिस करना है, पर मेरी पिक्चर लेके तेरी बहन अकेली सोती है। I'm spreading facts. ये बेलाने का ये पकड़ मेरा। मुझे मुझे ना वो सीन याद आ गया कि यार ये गाना सॉरी मैं बुरा ना बनाना, चलो मैं इस तरह ही सुन लूंगा हेडफोन पे, मैं इसको दिल करता वूफर पे लगाऊं। तो हाँ अब वो मुझे को याद आ गया, साद खान था पाकिस्तान का, जब ये रैप डीमन और ये इनका सीन चल रहा था, तो उसमें काफ़ी लोगों ने कहा था कि डीएम में आके इनको डिस करना है ना। और एक और भी था, एक साथ था शायद, साथ था उसका नाम मुझे ये भी नहीं याद ब्रो, साद खान था ना, और सेकंड था एक और भी था कर पर लिया उससे अंग्रेजी, तो मेरे को वो जेन में याद आया ऑटोमेटिकली ब्रो। तो हाँ चलो, अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर पर अंग्रेज रैपर डीएम करके बोले देश छोड़ और इधर आ, ये मुझ पे खुदा मैं है। अंग्रेजी तेरी कमजोर थोड़ी, ये भला भाई हम तो बेस्ट फ्रेंड है, हम तो
मेरे को देश छोड़ के या ओके ठीक है अंग्रेज रैपर बोले मेहरबानी मैं करूँ इतनी मेहनत मैंने कभी खुद पे यकीन छोड़ा ना मैं मस्त मैं बना दूंगा नहीं आके यार स्टेबल लोग से पैसा लेके भूल जा रहे ये वीडियो के लिए होते हैं तैयार ऐसे जैसे छठी पास नया बैग लेके स्कूल जा रहे यार ब्रो ये क्या किसी में भी राज अपने खोलता नहीं सच्चे दोस्त को मालूम है मैं अच्छे दिल को तोड़ता नहीं जनता मुझसे पूछे तेरी एल्बम इतनी लंबी क्यों है लंबी है तो गाने इतने छोटे क्यों है छोटे हैं तो गानों में जो स्टोरी है वो अलग क्यों है अलग ये सच्चा ब्रो ये सच्चा ब्रो लेकिन मेरे को खुशी है ब्रो खुदा जानता है ये मैं बार बार बोलता हूँ और ये सीखना चाहिए मेरे को मैंने सीखा कि आर्टिस्ट को ना टाइम दो अपनी अगर तुम अपनी जिंदगी में या तुम्हें कोई आर्टिस्ट मिलता है ना उसको जरा टाइम दो अपने तुम जरा रुको जरा सबर करना मेरे भाई तो ये वो सीन हुआ और मैं सच बोल रहा हूँ मैंने इस एल्बम की हर मैं यकीन करो आज मैं 4-5 दफ़ा पहले को सुना भाई क्या करें भैंचुत क्या करें मर जाएं अब क्या करें अब कुछ नहीं हो सकता सुन रहे हैं हम अब क्या करें लगे पर तेरा म्यूजिक ऊपर से मुसलसल गाने फेंक रहा है इसका अलग गुस्सा मुझे इसका अलग गुस्सा है ये टैक्स देगा मेरे को ज्यादा गलत क्यों है कभी नहीं था बातू नहीं बचपन मेरा शान स्वभाव और बाप को चाहिए हो जाऊं मैं हर क्लास में पास थी ना उम्मीद मेरी कलम जब ये था ना कि मैं रैपर हूं अब किसी को बताना ही नहीं पड़ता कि मैं रैपर हूं आई फील लाइक हनी सिंह मेरा म्यूजिक अलग बजेगा पर फर्क यही रहे यस यस सर ऑडियो में मिलियन लाने वाला विजन एक एक लाइन में पेड़ मार रहा ब्रो पहला एक एक लाइन अंबार जो भी तुम लोगों के लिए वीडियो एक प्रायोरिटी है ब्रो तू 4K में मेरे वाला साउंड लगे फेल मेरे 420 में ही इतनी क्वालिटी है ब्रो मेरा क्लास गहरा फेल मगर मेरी शुरुआत छोड़ हेट पहले गहराई को जान जो इन्हें चाहिए था वही कलाकार हूँ मैं धीरे धीरे हाँ जी कह गए रही जान बातें मेरी इन्हें पकी पकी दो इन्हें चाले पसंद है भाई इन्हें रमी वमी दो गाने फेंकूं जैसे भूखा शेर खुला हो गया और यहाँ के रैपरों का कलाकारी मुर्दा हो गया मैंने बोला था कि छोड़ रहा हूँ 2020 में क्योंकि मुझको गाने देना बेस लग रहा था मेरी फेम मेरी जीत तुम्हें फेक लग रही थी वहां नींद मेरा चैन सब हराम हो रहा था व्हाट द फक तुम्हें किस भाई तेरे मुल्क के अंदर ना ब्रो वो अब हम दोनों मिलेंगे ना जब भी इंशाल्लाह कभी जिंदगी में तो हम करेंगे ये अब ये भी नहीं हो सकता तो ये होगा है? तो वो करें ब्रो तुम देखो खुदा जानता है ब्रो मैं मजाक अपनी जगह कर दिया हूँ पहला बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट है बहुत खूबसूरत देखो बकचोदी अपनी जगह ये गाना लिटरली मतलब एक तरह से जवाब है गानों के कुछ नाम आ रहे हैं और आप हर ऐसे लगता है कि गाना बार्स और एक बैंगर है जिसमें आपको झूमना पड़ेगा ब्रो और मैं ऐसा नहीं बोलता मेरे को ना मैं ना जरा बकचोदी वाले मैंने रिएक्शन छोड़ दिए हैं ठीक है ना क्योंकि लेकिन मेरे को जब ऐसे आर्टिस्ट मिलेंगे तो मैं खुद ब खुद मतलब मेरे अंदर से ना एक मेरे अंदर का 84-82 सारा कुछ जाग जाता है अंदर से ना ब्रो कसम से सो मेरे लिए मैं इस बंदे की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं रो पड़ूंगा यार मैं रो पड़ूंगा नहीं मुझे खुशी है कि मुझे एक अच्छा आर्टिस्ट मिला हुआ है जिसको मैं सुन के वाइब ले सकता हूँ रैपरों का कलाकारी मुर्दा हो गया मैंने बोला था कि छोड़ रहा हूँ 2020 में क्योंकि मुझको गाने देना बेस लग रहा था मेरी फेम में ये मुझे चीज़ याद है और मैंने एक चीज सीखी कि आई डोंट नो मेरे को नहीं पता कि आर्टिस्ट गलती कर रहा है कि नहीं कर रहा बट समवेयर हमें एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए एक आर्टिस्ट के लिए ये मैंने सीखा मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैंने ये रिएक्शन चैनल से सीखा कि हमें रखना चाहिए कि ये चीज़ ब्रो कहते हैं ना एक गल करन दी होती है एक जिस पे बीतती है वो चीज़ मेरे को ना ये चीज़ मैंने सीखी है कि नहीं करना चाहिए
वो जो सीन था, वो जो सीन चल रहा था उस टाइम, हाँ मैं समझ रहा हूँ वो गला क्या बोला। सो मैंने इस रिएक्शन चैनल से ही ये चीज़ सीखी यार, मेरा रिएक्शन चैनल ही है ना, तो वो हाँ लेकिन मैं इसके ऊपर एक बात बोलूंगा, मैं क्योंकि मैं फैन हूँ भाई, मैं फैन हूँ, एप लगा हुआ फैन है। तो हाँ, तो मेरा ये है, मेरा ये है, दो बंदे होंगे ये जो जलन है, ये जलन वाले तो चूती है, इनको मतलब लेना है। मेरा ये है क्योंकि मुझे एल्बम बहुत पसंद आई और माशाल्लाह से मैं सुन रहा हूँ, टका के सुन रहा हूँ। तो मेरा ये है कि मैं चाहता था कि क्योंकि मैं बहुत ओवर हाइप्ड हूँ इस चीज़ को लेकर के, एल्बम के बेला के एल्बम के जो गाने वो बहुत मजे के हैं, तो मेरा दिल कर रहा है कि एक इमेजिनेशन डालता ना बंदा फैन की, यार इस पे होना चाहिए थे 10 मिनट, इस पे होना चाहिए, मेरा वो है। देखो दो अलग अलग चीज़ें, तो मेरा जो है वो मेरी जलन नहीं, मेरा एक मोहब्बत होना है कि मेरे को चाहिए था कि कंसिस्टेंसी है, और ये आहिस्ता आहिस्ता होगा ब्रो, ब्रो आहिस्ता आहिस्ता होगा, एक टाइम लगता है ये चीज़ों में, और ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ, अब पता नहीं तुम लोग मानते हो, ये खुदा का काम भी है, यह है ऊपर वाले का, वास्ता ऐसा निजाम करता है सर। सो हाँ, मैं बहुत बोल रहा हूँ यार, मैं आई एम सॉरी बट एल्बम खत्म हो रही है, मेरे अपने जज्बात हैं, मुझे रखने दो। अपने इधर अपने म्यूजिक को हम वचन देते हैं ब्रो, पहले हील करेंगे फिर हम पैसा छापेंगे, फिर वो पैसा अपने लोगों में हम खुला बांटेंगे, ये मेरा शौक है। असली बनो, चर्ची बनो मत, लाखों लोग कमा के अपने से तुम फर्जी बनो मत। ये तो होगा, ये तो मैं चुप, मैं नहीं बोल नहीं, मेरे पैर बस अब अलग जीता हूँ, मेरे गम ना बता दूँ इसलिए ज्यादा पीता हूँ, ये तेरे पैर कि मेरे जैसा आया है और चला जाएगा, बेला लंबा खेलेगा और ज्यादा खाएगा, छोटे बॉलीवुड को बेलावुड बनाऊंगा, तू बस देख रहा था देखता रह जाएगा, वाह ये मेरी एल्बम है, होम होम ये बस मेरी शुरुआत है, मेरा नाम क्या है, हॉलीवुड को बेला। ओ मेरे खुदा, ये गाना तो मैं टका के इसको सुनना है ब्रो, इसको इतना बजाना है ना, इतना बजाना है इस गाने को ब्रो कि मैं तो, ये गाना बहुत मजे का यार, ये ऊपर पे लगे बड़ा मजा है। ब्रो ये एक ऐसी जर्नी थी मेरे लिए, और मैं समझता हूँ कि देखो यार, मैं ना कभी कभी रिएक्शन चैनल हिप हॉप को लेकिन मेरे को ना ये चीज, इस एल्बम ने फैन बना दिया ब्रो मुझे, बहला मैं सच बोल, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं ये बहुत दफा बोल बैठा हूँ, और मैं हूँ भाई, मैं मुंह पे बोलता हूँ, बड़े लोगों ने कमेंट किया, राज जोन्स, गौरी, फरहान म्यूजिक, हाँ पाकिस्तान से भी आए हैं, लव यार बेला भाई तू, सीरियसली हम मिलेंगे फिर हम गे, ये दो चीज़ें याद रखना, हम मिलेंगे पहले, हम मिलेंगे फिर हम गे, ये वो झंडा मुझे याद है, तो नहीं दिल से खुशी होती है ब्रो, हम क्या बोलूँ मैं, मेरे दिल से खुशी होती है इस, चुप बहन चुप, खत्म कर वीडियो, बाबा जी मिलता हूँ लोगों की अगली वीडियो में, सॉरी इसमें मैं थोड़ा मैं थोड़ा सा क्रिंजी या थोड़ा लव वाला वो वाला थोड़ा जज्बात होते हैं, ये समझ नहीं पाओगे तुम लोग, तुम अगर रैप को इस तरह सुनते हो तो, और वही बात है कि मैंने जिस तरह बेला को सुना था और जिस तरह अब मैं सुन रहा हूँ, ये नफसियाती खेल है जो तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो मिलता हूँ लोगों की अगली वीडियो में, मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह 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 जिस तरह के गाने फेंकना, मैं इस साल बेला के सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ 3-3 गुना ज़्यादा देखना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह वो कह रहे हैं मैं हूँ हनी सिंह के पास, मेरी म्यूज़िक की भाई बहुत डिफरेंट है, मज़ा आ रहा है, मतलब डिफरेंट मीन्स के इस मुल्क के लिए या इस देसी हिप हॉप के लिए बहुत डिफरेंट है। सो ऑडियो गाना माशाल्लाह 1,90,000 के करीब पहुँच बैठा हुआ है, ये चीज़ है। अब मुझे पता है एज एन आर्टिस्ट नहीं व्यूज़ मैटर करते, लेकिन मुझे खुशी है कि लोग एक्सेप्ट, अच्छा और एक वीडियो लंबी हो जाएगी बाबा जी, मिलता हूँ लोगों की अगली वीडियो पे, और कभी जिंदगी में ब्रो बेला मुझे, मैं सच बोलूँ मैं अपने रिएक्शन भी नहीं देखता, और मुझे वो भी नहीं वो समझ में नहीं देखता इतना चीज़ें ना, तो कभी जिंदगी में दिल करे तो ये बेला भाई को जरूर पहुँचाना कि यार तुम कोई भी तुम्हारे पीछे ना हो, मैं इंशाल्लाह एज ए फैन मैं बोलूँ कि मैं सपोर्ट भाई दिल से, हमारा एक एक सपोर्ट फर्क डालता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, पहले मैं नहीं समझता था, लेकिन हाँ मिलता हूँ लोगों की अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाबा जी, अगला गाना सुनते हैं ब्रो,
कल सुनेंगे आराम से बैठ के। यस।